चलो भाई विद एडजस्टमेंट की क्लास नंबर 8 शुरू करें। आइए। हाँ जी, पहले जरा चेक करो अंदर के सारे आइटम। और फिर एडजस्टमेंट पे बात करेंगे। गुडविल कहाँ जाएगा? एसेट्स के अंदर। बाकी चेक कर लो। कभी कभी ना बच्चों को कंफ्यूजन होती है खर्चों को लेके। अब जैसे कोल गैस है, ये फैक्ट्री में यूज होता है, तो भाई ये ट्रेडिंग के अंदर आएगा। और कोई ऐसा खर्चे में लेके आपको कंफ्यूजन हो बताना जरूर। ढंग से सोचो, आराम से सोचो, प्यार से सोचो 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 ढंग से सोचो। लाइटिंग, खाली लाइटिंग लिखा है ना, तो पी एंड एल में ले जाएंगे हम उसे। जैसे कि अगर पावर लिखा हो तो फिर उसे ट्रेडिंग में ले जाएंगे हम। लाइटनिंग एंड पावर लिखा हुआ है तो पी एंड एल में ले जाएंगे, तो ट्रेडिंग में ले जाएंगे। वेजेस एंड सैलरीज इसके अंदर आएगा, सैलरीज एंड वेजेस इसके अंदर आएगा, कह सकते हैं। कोई आइटम लग रहा है अंदर? नहीं। हाँ, पहले तुम बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, बिल्स पेबल है कहाँ? ये रहा, तुम्हें क्या लग रहा है कहाँ जाना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? हाँ बिल्कुल ठीक है, लाइबिलिटी में जाएगा, क्रेडिटर ही तो होते हैं। चलें एडजस्टमेंट पे बात करते हैं। फोर्थ वाली और कोई नहीं कह रहा है, ओनली 3/4 रेंट हैज बीन पेड, इस लाइन का मतलब बता दो। कह रहा है खाली 3/4 का, अच्छा इसमें कितने महीने बताओ, कितने हो गए? 6 इधर, अबे 4 लाइन मैंने ज्यादा इधर उधर कर दी क्या? कह रहा है 4 इसमें कितने हो गए? 6 अब कितने हो गए? इसे बोलते हैं क्वार्टर 1, इसे बोलते हैं क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, और ये कहलाता है फोर्थ क्वार्टर, चौथा। क्या कह रहा है? कह रहा है हमने पहले क्वार्टर का, दूसरे क्वार्टर का और तीसरे क्वार्टर का, यानी कि हमने 9 महीने का रेंट पे कर रखा है। और 9 महीने का रेंट हमने कितना पे कर रखा है? ये 9 महीने का रेंट है। अच्छा यहां पर जो रेंट आपको दिखना है वो कितना दिखाना है? पर यहां तो पूरे साल का जाएगा। अब जब 9 महीने का कितना है? 9 महीने का 2700 है, तो पूरे एक साल का निकालो। 2700 को डिवाइड कर दो 9 से और मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो कितना आ गया? 3600 मुझे यहां पर चाहिए। इसका मतलब कि 900 का आउटस्टैंडिंग है, तो यहां पर रेंट आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो और उसे यहां पर शो कर दो। ठीक है, और बताओ। इसी का 6 कह रहे हैं। चलो देखते हैं जरा 6 क्या कह रहा है। राइट ऑफ 1/4 ऑफ द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अगर ये लाइन ही नहीं होती तो तुम इस पूरे का क्या करते? पी एंड एल में शो करते। अभी वो क्या कह रहा है? कह रहा है खाली 1/4 को आपने राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? हाँ, राइट ऑफ करने का मतलब होता है हटा देना, कम कर देना या खर्चों में डाल देना। समझ आ रही बात? तो वो क्या कह रहा है? अभी कह रहा है ओनली 1/4 को ही राइट ऑफ करना है। तो आप यहां पर लाएंगे तो सही टू एडवर्टीजमेंट कितना, पर इसका ओनली 1/4 ही यहां पर आएगा। हाँ, तो बाकी का आप यहां पर दिखाएंगे 3500 का कितना? 3/4 वो बाहर चला जाएगा। हाँ जी, एडवर्टीजमेंट के नाम से ही यहां पर खर्चा बन के आया। एडवर्टीजमेंट ही लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
ये वाला हिस्सा अगले पी एंड एल में थोड़ा चला जाएगा, मैं समझाता हूँ। 1, 2, 3, 4 साल आपने यहां पर एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, कितना कितना किया? हाँ 3500 किया, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, और जो आपने एडवर्टीजमेंट यहाँ करवाई है, इसकी जो बेनिफिट्स आपको मिलने हैं, वो बेनिफिट्स आपको 4 साल तक मिलने हैं, ऐसा मैं मान रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर जाकर क्या बनाओगे? ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट। फिर यहाँ जाकर भी ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, सिमिलरली ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट। दो मिनट के लिए इसे ऐसा करो, तुम 4 रुपये मान लो, सिर्फ समझने के लिए। तो तुमने आज 4 रुपये का खर्चा किया है। अब ये एडवर्टीजमेंट जब हमने की थी तो हमने एंट्री क्या डाली होगी यहाँ पर? एडवर्टीजमेंट डेबिट टू कैश 4 रुपये। एडवर्टीजमेंट को डेबिट क्यों किया? खर्चा मानते हुए, पर गलत है। अगर तुम्हें लग रहा है इस एडवर्टीजमेंट का फायदा खाली 1 साल मिलने वाला है, तो तुमने इसे खर्चा मानना है। और अगर तुम्हें लगता है इसका फायदा लंबे टाइम तक मिलना है, 1 साल से ज्यादा, तो फिर इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, जब यहां पहुंचेंगे तो 4 में से 1 रुपया खर्चे में डाल देंगे, तो यहां पी एंड एल में 1 रुपया आ जाएगा और बैलेंस शीट में 3। फिर यहां 1 रुपया, यहां 2 रुपये, यहां 1 रुपया, यहां 1 रुपया, यहां 1 रुपया और यहां 0। यहां भी क्या लिखना है? एडवर्टीजमेंट। और यहां भी क्या लिखना है? एडवर्टीजमेंट। समझ आया? ये क्या कहलाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, जो बैलेंस शीट में कैरी होता चला जाता है हमारे साथ, ठीक है। इसके अंदर कोई और हिस्सा आपको जानना हो? चलूं मैं आगे, ठीक है। हमारी अगली एडजस्टमेंट है मैनेजर्स कमीशन। ये मैनेजर का कमीशन क्यों होता होगा? मैनेजर को क्या हम सैलरी नहीं देते हैं क्या? मैनेजर को हम रखते क्यों हैं? हमारे काम को मैनेज करने के लिए, चीज़ों को हैंडल करने के लिए, तो सैलरी तो हम उसे देंगे ही देंगे, ठीक है। हमने यहीं पर किसी बंदे को अपॉइंट किया जो कि हमारा, हमने इसकी सैलरी तो आज फिक्स कर ही दी होगी। अच्छा, सैलरी तो हर महीने दी जाती है, एंट्री तो वही डलेगी, सैलरी डेबिट टू कैश। पर अगर तुम चाहते हो कि ये व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत ढंग से काम करे और मेहनत से, शिद्दत से काम करे, पूरा दिल लगा के काम करे, तो तुम पता क्या करोगे? सैलरी तो दोगे ही दोगे, तुम इसे एक लालच दे दोगे, बांध दो इसे अपने साथ, प्यार से बांध दो इसे। क्या करोगे? भाई सुन, तू अपनी सैलरी तो लेता रही हो, बाद में जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज हम तुझे दे देंगे एज अ कमीशन। अब ये क्या करेगा? अब ये जी जान लगा देगा तुम्हारे प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, और जितना तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि इसका कमीशन भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, जब तुम इसके साथ एग्रीमेंट करोगे तो उस एग्रीमेंट में सैलरी तो लिखी होगी, कमीशन के बारे में भी तो कुछ लिखा होगा कि परसेंटेज कितना होगा, हाँ या ना? तो इस परसेंटेज की कंडीशन है कुछ, सुनो, बताओ, कोई परसेंटेज बताओ। 10% ले लूं? मान लो तुमने लिखा 10% ऑफ प्रॉफिट, हम तुझे क्या देंगे? 10% ऑफ प्रॉफिट हम क्या देंगे? कमीशन। यह है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या हो सकती है? 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अच्छा, इन दोनों कंडीशन में कोई फर्क नहीं है, दोनों का आंसर सेम है। तीसरी कंडीशन, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। पहली दो कंडीशन का आंसर सेम है और तीसरी कंडीशन का आंसर डिफरेंट है। समझ आ रही है मेरी बात? तो हमें अब इन कंडीशंस के बारे में पढ़ना है। अब तुम कहोगे इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। अच्छा, जो कमीशन की वैल्यू यहां निकालोगे, यहीं जाके तो निकालोगे, क्योंकि ये कब पता चलेगा? जब तुम ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बना लोगे, तो यहां जो प्रॉफिट आएगा इसके ऊपर ही तो ये वाला कमीशन निकलेगा।
तो एज एन एम्प्लॉयर मालिक के तौर पर तुम क्या चाहोगे, ये कमीशन की वैल्यू? तुम तो चाहोगे कमीशन कम ही देना पड़े, और वो क्या चाहेगा, कमीशन ज्यादा से ज्यादा मिले। तो तुम्हें मैं बता दूं, अगर कमीशन इन दोनों कंडीशन के हिसाब से दिया गया, भाई ये तीनों कंडीशन किसके अंदर लिखी होंगी, एग्रीमेंट के अंदर। तो एग्रीमेंट बनाते टाइम पर बनाएगा कौन, एम्प्लॉयर मालिक, और पढ़ेगा कौन इसे, एम्प्लॉय। तो ध्यान से बनाना है और ध्यान से ही पढ़ना है, समझ आ रही मेरी बात? सुनो, इन दोनों कंडीशन के हिसाब से निकला हुआ कमीशन हाई होगा, और इस कंडीशन के हिसाब से निकला हुआ प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता है। और फर्क सिर्फ किस चीज का है, फर्क सिर्फ किस चीज का है, बिफोर और आफ्टर का फर्क है, सिर्फ दो शब्दों का फर्क है, और दो शब्दों का फर्क आपके लाखों रुपए बचा भी सकता है, गंवा भी सकता है। क्योंकि अगर एग्रीमेंट में तुमने ये शब्द लिखे हैं बिफोर या आफ्टर, तो बाद में जो कमीशन निकलेगा वो उसी हिसाब से तो देना पड़ेगा, नहीं समझे मेरी बात को? इसीलिए अब हमें इन दोनों का अंतर समझना है कि बिफोर और आफ्टर में फर्क क्या है, क्लियर है? उसके अलावा कुछ नया नहीं है इसके अंदर। पहले जरा ये क्वेश्चन चेक कर लो, आप अंदर के आइटम चेक कर लो और मुझे बता देना। बोलो अंदर का कोई आइटम है टेढ़ा मेढ़ा? नहीं, एडजस्टमेंट पे आ जाओ, इसे छोड़कर, इसे छोड़कर कोई भी एडजस्टमेंट आप पूछना चाहें। नहीं, मैंने इतना काम किया है, ये एडजस्टमेंट मुझे आपको समझानी है। तो इतने काम के साथ आपका सोल्यूशन कितना आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैनेजर है, इस मैनेजर को तुम सैलरी दे रहे होंगे, तो वो सैलरी तो इसके अंदर आ गई होगी, पर जो तुम्हारा इसका कमीशन देना है, वो कमीशन तुम्हारे लिए क्या है, हमारे लिए खर्चा है। तो क्या वो खर्चा मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड कर लिया है? और वो खर्चा यहां आएगा कि यहां आएगा? पीएनएल में आएगा, और अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है उसे, हाँ या ना? तो समझना जरा ये कैसे होगा अब काम। अभी यहां से हमने क्या निकाला, और वो ग्रॉस प्रॉफिट होकर यहां पर आ गया। अभी यहां जो निकलता था वो क्या कहलाता था, अब तक वो कहलाता था नेट प्रॉफिट। अब मैंने इसे नाम क्या दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। मैं इसे कह रहा हूं बिफोर, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी उसका कमीशन मैंने लगाया ही नहीं है। चलो जरा देखते हैं वो कैसे निकलेगा। अब उसका कमीशन देने के लिए, हालांकि हम ऐसा पहले नहीं करते थे, आप देख रहे हैं यहां पीएनएल को भी मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है, पीएनएल का एक हिस्सा ऊपर कर दिया, एक नीचे कर दिया। आप ऐसा कर सकते हैं, कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, सही प्रॉफिट निकालने के लिए अब आप यहां पर इसे उतार लेंगे, पहले बाय नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन कितना आ रहा है, 13,297। अच्छा तुम्हें समझाने के लिए मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, तुम्हें समझाने के लिए मैं इसे कितना ले रहा हूं, परसेंटेज कितना है, तो मैं इसे ऐसा कर लेता हूं। लो मान लो ये कितना आ रहा है, ये 21,000 आ रहा है। अब तुम बताओ मुझे यहां पर क्या लिखना होगा और यहां पर क्या लिखना होगा, पहले हम पहले डायरेक्ट समझेंगे फिर एंट्रीज पे सोच बात करेंगे। हालांकि हमें पहले एंट्रीज पे बात करनी चाहिए, पर वेट, यहां पर मैनेजर का कमीशन तो निकालोगे जो हमने उसको देना है, और यहां पर आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, या फिर ये कहूं आफ्टर मैनेजर कमीशन। अब क्वेश्चन की कंडीशन पढ़ो जरा, क्या कह रहा है वो, कह रहा है 5% जो देना है वो किसका देना है, 5% बताओ, क्या इसका 5% देना है,
नहीं, इसका 5% देना है। सोचो, अच्छा अगर मैं कहूं ये x है तो ये कितना होगा ऊपर वाला? 5x, 5% ऑफ x, यानी कि ये हो जाएगा 5x बाय 100। और तुम्हें पता दोनों का टोटल कितना होगा? 21,000। आओ जरा सॉल्व करते हैं, x प्लस 5x बाय 100 इक्वल्स टू 21,000। x को सॉल्व कर लो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20,000। आओ जरा वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं क्या ये सही आ रहा है। ओ ये तो सारे ही हट गया, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन कितना आ रहा था? 21,000 हमने माना था, और यहां पर लिखना था टू मैनेजर कमीशन, टू नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर का कमीशन। ये हमने कितना निकाला था अभी ऊपर सॉल्व करके? हाँ, ये मैंने निकाला था x प्लस 5x बाय 100, तो x की वैल्यू निकाली थी 20,000। चलो हाँ, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी निकली है? अब 20,000 का कितना? 5%, 1,000 ही तो आ रहा है, तो वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पर तुम इसे निकालोगे कैसे? इस तरह से भी निकाल सकते हो इक्वेशन बना के, और अगर बिना इक्वेशन के निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, पहले अगर इसकी जगह पर बिफोर लिखा होता तो फिर 21,000 का सीधा सीधा 5% तुम यहां ले सकते थे। 21,000 का 5% होता है 1050, तो 1050 यहां आ जाता, बचा हुआ नीचे आ जाता, फिर तो क्वेश्चन आसान हो जाता ना। फिलहाल हमें ये वाला केस करना है, बिफोर वाला नहीं है हमारा, आफ्टर वाला केस है। अब मैं इसे कैसे ठीक करूं बताओ? इसे हटा देते हैं। अब ये हमें पता चल गया कि नीचे 20,000 आएगा और ऊपर 1,000 आएगा, पर इसे निकालना कैसे है? शॉर्टकट तरीका इसका देख लेते हैं। अब यहां पर दो वैल्यूज हैं, दोनों में से आपको कौन सा जानना है? दोनों ही जानने हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पर 100 है तो यहां पर कितना होगा? 5। अगर नीचे 100 है तो ऊपर 5 होगा, और नीचे 1000 है तो ऊपर 50 होगा। सिंपलेस्ट है 100 और 5 का कॉम्बिनेशन। अगर इसकी वैल्यू 100 है तो इसकी वैल्यू 5 होगी, इसका मतलब उसकी वैल्यू 105 होगी। तो ऐसा करो, अगर तुम्हें क्या जानना है, अगर तुम इनमें से कोई सा भी एक ले लो, अगर तुम मैनेजर कमीशन जानना चाहते हो तो कैसे निकलेगा? 21,000 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई, अगर तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें ये वाली वैल्यू मिलेगी, और अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। नहीं समझे? कोई डाउट है किसी को? मैं ये कह रहा हूं, ये 100 है और ये 5 है, तो ये टोटल मिलके 105 है, तो मैं 21,000 को 105 से डिवाइड कर रहा हूं। यहां पर मैं अगर 5 लिखूंगा तो मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी, और अगर मैं यहां पर 100 लिखूंगा तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। मुझे तो हालांकि दोनों ही निकालनी है। नहीं समझे? चलो जरा करते हैं ट्राई। अभी परसेंटेज को भी चेंज करेंगे हम। बताओ यहां पर पहले 5 ले लो, तो ये कितना आ गया? 1,000, तो ये अपने आप ही कितना आ जाएगा? 20,000। केस समझ आया? कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको, भूल जाओ, ठीक है? ये समझाने के लिए था, वैसे ठीक है ये वाला भी। इसकी परसेंटेज को 8 कर देते हैं, तो यहां पर 8 कर दो और यहां पर भी 8 कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेना। क्लियर है? अब इसकी एंट्री पे बात करते हैं, मैनेजर के कमीशन पे। आप पहले सोचो इसकी एंट्री क्या डलेगी।
बताओ बताओ एंट्री। वन थाउजेंड और मैनेजर का कमीशन तुम दे रहे हो तो कोई एंट्री तो बनी होगी या सीधा ऐसे लिख दिया। लगाते रहो दिमाग लगाते रहो सोचते रहो बता देना मुझे दो चार दिनों में ना। हाँ जी पता नहीं पी एंड एल डेबिट टू मैनेजर कमीशन कितने लोग एग्री कर रहे हैं। एक ही बच्चे ने एग्री किया जिसने बताया। हाँ जी ओए एंट्री ये सही आंसर था क्या पता नहीं कोई और बुद्धि लगाना चाहे। सुनो सिंगल एंट्री नहीं होती इसकी ये डबल एंट्री से चलता है सुनना। पहले एंट्री डलेगी अरे तुम्हारे लिए खर्चा है कि नहीं है कमीशन तो पहले एंट्री डलेगी मैनेजर कमीशन डेबिट। क्या हमने इसे पैसे दे दिए क्या मैनेजर को पैसे दे दिए। अबे दिए थोड़ी है निकाला ही अभी है तो टू मैनेजर कमीशन कितना इस एंट्री से दो लेजर्स बने होंगे बनाओ एक मैनेजर कमीशन का लेजर और एक मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग का लेजर। इसमें यहां पर 1000 आया होगा इसमें यहां पर 1000 आया होगा फिर ये वाला लेजर नॉमिनल है ये बंद होगा बंद करके पी एंड एल में ले जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पोस्टिंग करो इस एंट्री की पोस्टिंग करो। एक पोस्टिंग यहां पर आ गई दूसरी पोस्टिंग यहां पर आ गई और ये वाला लेजर पर्सनल अकाउंट है ये बैलेंस होकर बैलेंस शीट में चला जाएगा मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग 1000। तो मतलब साफ है इसके क्या ट्रीटमेंट है एक तो ये पी एंड एल में खर्चा बन के आएगा दूसरा ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी बनकर आएगा। आपको एंट्री वाइज सोचना नहीं है कभी एंट्री मांगे तो एंट्री ये डलेंगे। चलो मैं आगे हाँ मैनेजर कमीशन पी एंड एल के नीचे ये वाला हिस्सा ये ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बनाया है। इससे क्या होगा मैनेजर की कमीशन की कैलकुलेशन आप आराम से कर पाएंगे बिना कंफ्यूज हुए। मतलब अब आपके लिए एक चैलेंज तो हो गया आपको पहले तो एक बार यहाँ पर बैलेंस निकालना पड़ेगा फिर आपको यहाँ पर दोबारा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा बस अदरवाइज ये काम आसान हो जाएगा आपके लिए। किसी के पास कोई और स्टाइल कोई तरीका हो समझ आ गया सबको आदित्य नहीं क्या कह रहा है। मैं आगे चलूं अभी तक दो क्वेश्चन होमवर्क में आ गए एक ये वाला और एक इससे पिछले वाला था ना जो 14. हाँ ये वाला ये 14 है हाँ तो 14 और 15 कह रहा पता नहीं नहीं ऐसा करते हैं वो हाँ एक ये वाला रख लो होमवर्क में और एक अगला वाला रख लो बस ये दो होमवर्क में रख लेना और ज़रा इस पर बात करते हैं। पहले ज़रा यहाँ देख के बताओ एडजस्टमेंट्स इसकी एडजस्टमेंट्स अच्छी होंगी थोड़ी सी पहली तो आसान है पहले तो अंदर के आइटम चेक करो अंदर के आइटम समझ आने चाहिए भाई। पावर इसके अंदर कहाँ पर है ये वाला डेफिनेटली ओल्ड होगा यार तभी तो अंदर है नया कैसे आ जाएगा अंदर नया तो बनेगा अभी। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पी एंड एल के अंदर क्या मैं समझाऊंगा वो वहां पर क्यों है मैं बताऊंगा।
वो कह रही है यहाँ पर ये क्यों आ रखा है? अरे ये यहाँ पर किसी वजह से आया है, बता दूंगा। स्कूटर कहाँ जाएगा? एसेट्स में, और खर्चे पी एंड एल के अंदर। बात करें कौन सी एडजस्टमेंट्स ऐसी है जो डिस्कस करना चाहते हो? सेकंड पे बात कर लें। चलो ज़रा सेकंड के बारे में बात करते हैं। अच्छा, सेकंड और सिक्स्थ कुछ कनेक्शन तो है भाई इनमें? क्या कनेक्शन है, मैं देखना ज़रा। पहले ऐसा करो, सेकंड एडजस्टमेंट लग किसके ऊपर रही है? जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस ये रही, इसके ऊपर लग रही है सेकंड। और सेकंड किसी और पे भी लग रही है? इस पे भी लग रही है सेकंड। और ठीक है, और सिक्स वाली किसके ऊपर लग रही है? सिक्स वाली खाली इसके ऊपर लग रही है। ऐसा करो, पहले पहले इन दोनों को उठाओ। जनरल एक्सपेंसेस यहाँ आएगा, कितने के हैं? 2500 के। और टैक्सेस और इंश्योरेंस 1315, तो इन्हें भी यहीं पर ले आओ। अब पहले ये देखो दोनों में से कौन सी एडजस्टमेंट लगाऊं पहले, सोचो, पहले ध्यान से सोचो। कह रहा है 1/5 ऑफ जनरल एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस टू बी चार्ज टू फैक्ट्री। इसका 1/5 ऊपर जाना है और इसका 1/5 भी ऊपर जाना है। और ये क्या कह रहा है नीचे वाली? कह रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस है 50 रुपये का, तो वो प्रीपेड तो हट के बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो पहले इनका 1/5 ऊपर भेजूं, या पहले इसमें से प्रीपेड बैलेंस शीट में भेजूं, या कोई फर्क ही नहीं पड़ता? प्रीपेड वो है जो इस साल का है ही नहीं, प्रीपेड वो है जो इस साल का ही नहीं है। अब जब वो इस साल का ही नहीं है तो उसे ना यहां पर दिखाना है ना यहां पर दिखाना है, तो पहले प्रीपेड हटेगा। पहले इसमें से प्रीपेड हटाओ, कितने रुपए का? तो ये आ गया 1265 आ गया। अब एडजस्टमेंट अप्लाई करो, इसका 1/5 तो -1/5 चार्ज टू फैक्ट्री, निकालो इसका 1/5, तो यहां पर कितना रह गया? तो ये जो 500 हटा है, एक तो ये यहां पर आया है, क्लियर है इसके बारे में? यहां पर -1/5 चार्ज टू इसका 1/5, तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, रहन दो तुम, चौधरी मत बनो। हाँ, तो इसमें से हटा दो, बोल रहा हूँ ये रह गया 1012, और 253 उठ के ऊपर आ जाएगा। समझ आया? तो इसमें बच्चे गड़बड़ सिर्फ एक ही जगह पर करते हैं, वो प्रीपेड्स को पहले हटाते नहीं हैं। क्लियर है? आगे बढ़ो ज़रा, कोई और ऐसी एडजस्टमेंट हो टेढ़ी मेढ़ी, हट रहा हूँ ना। सेवेंथ है, अभी तो कराइए, सेम ही तो है, कर लेना यार, करो तो पर खुजाई जा रही है यहाँ पे सर में और कह रही। हाँ हाँ, कराओ कराओ बेटा, ये वाली एडजस्टमेंट करने के लिए पहले यहाँ तक सारी चीज़ें लानी पड़ेंगी ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये वाला क्वेश्चन बुक में नहीं है, हट, मतलब ये बोलो ना, खुद भी समझना है तुम। नहीं भाई नहीं, अरे नालायक, यहाँ तो कराया था, पहले बिफोर कमीशन निकालो, फिर बिफोर कमीशन को यहाँ लेके आओ, और फिर कमीशन की वैल्यू निकालने के लिए इसे एक्स ले लो, इसे 5x/100 ले लो, दोनों के टोटल को उसके इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ ले आओ। इस क्वेश्चन में पहले, हाँ पहले ये अप्लाई होगी, फिर ये अप्लाई होगी इस वाले में। काफी जल्दी पूछ रहे हो तुम, अगर हम पलट के नहीं आते तो बस यही वाला थैंक मिलेगा तुम्हें, इसके आगे नहीं मिलेगा। बताओ बताओ, ये वाली एडजस्टमेंट कर पाएंगे? मैनेजर कमीशन वाली, ये क्वेश्चन बुक में नहीं है तो भाई 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 भाई, अरे नहीं, अच्छी एडजस्टमेंट है ये तो, सीरियसली नहीं है क्या? बुक में चेक करो जरा,
अरे नालायक क्या रहा, खुद ही देख लो। हाँ अच्छा क्वेश्चन था, हटाना नहीं चाहिए था बुक में से ना। कोई नहीं, हटा दिया, क्या कर सकते हैं। लाओ जरा बुक, मेरे को तो दिखाओ जरा एक बार, हम भी देखें। हाँ हाँ कर देंगे। प्राची साउंड्स लाइक चाची। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 है ये बुक के अंदर ना, एक जो हमने दे आई है। अरे हाँ यार ठीक है, तुम 14 और 15 कर लेना फिर, ठीक है। कहाँ से करोगे जब बुक में नहीं है तो। एक ये रहा छुटकू, जरा आओ। जीपी कितना दे रखा है, 1,20,000। तो जीपी यहाँ पर आ जाएगा, उसके अलावा और। अबे पागल है ये, इसके अंदर होगा ऑलरेडी, तो दोबारा नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, 90,000 आ गया। तो 90 फिर भी होता, वाह कह रही है, अगर ये बीच में दे रखा होता तो भी सेम रहता। पागल है। हाँ अगर इसका अमाउंट बड़ा होता तो वो अलग था, ये अलग था। यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अरे नालायक आफ्टर कहाँ से आ गया, अभी 90,000। आओ जरा यहाँ पर 2 मैनेजर कमीशन और 2 नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए सुन तो लो, जब मैं बोलूँगा तो खुद भी बोलने लग जाते हैं। सुनो, इसका आंसर जाना है तो सिंगल स्टार, इसका आंसर जाना है तो वाह, तुम लगा देना ट्रिपल स्टार। 90,000 डिवाइडेड बाय कितना परसेंट है, और वो भी आफ्टर है, बिफोर होता तो 90,000 का ही 10% 9,000 लिख देता, यहां 9 आ जाता और यहां 81 आ जाता। अभी ऐसा नहीं करना है, तो डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10 कर दो, और 90,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू, तो दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी। दोनों वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं। सर आओ बोल बोल, पता नहीं क्या क्या जाता है लड़का। 81 81, ये पॉइंट नहीं है, वही बीच में मैं हटा देता हूँ ना, मैं हटाऊंगा, मेरे को भरोसा नहीं है तुम लोगों के ऊपर। 81818, ये 0.81 आ रहा है। सर अभी तो आपने बताया था क्या उसको 10 से करा। हाँ तो मैं तो डबल स्टार की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना पहले। अरे पागलो, अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये डबल स्टार वाली की वैल्यू मिलेगी, और अगर तुमने ये वाला सॉल्व किया तो तुम्हें सिंगल स्टार की वैल्यू मिली। इसमें दिक्कत क्या है, इजी है ये, एक्स वाला ले। अरे सुन, सुन लो, एक्स वाला सुनो, इसे एक्स मान लेना और ये 10x/100 मान लो। सुनो एक्स प्लस, अरे जिस मोहल्ले को वो वाला करना है वो वाला कर लेना, और जिस मोहल्ले को ये वाला करना है ये कर लेना। अरे चुप रहे, ये लो अभी भी वही आ रहा है बुद्धि से पैदल। तो x की मतलब वैल्यू ये वाली आ गई, और इसका 10% कितना आएगा, 8181.8 आ गया। इन दोनों का टोटल ये आ जाना चाहिए, पॉइंट में आएगा, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, राउंड ऑफ कर लेना ना, हो जाएगा। पॉइंट हटाना चाहते हो, लिसन, अरे लिसन ना, इसे हटा दो और यहां पर इसको 2 कर देना,
और तुम्हारी नाक को थोड़ा सा ट्विस्ट। नीचे वाले को भी तो करो। नहीं समझ गए। हाँ। बस ये इतना ही है। हाँ। इसका बहुत बहुत स्पेस हो रहा था, ये जो भी था बस। होमवर्क में एक मिनट यार, मेरे को होमवर्क से सेटिस्फेक्शन नहीं आया। हाँ बेटा मेरे, मांगा क्या है क्वेश्चन में? क्या मांगा है, क्या मांगा है? यहाँ क्यों दिखेगा? मांगी बैलेंस, हाँ दिखेगा, पर बैलेंस शीट मांगी नहीं है। दिखा देना यहाँ पर, अगर तुम दिखाओगे तो। वैसे एक बात बोलूँ, दिखा देना, क्योंकि उसने उसने बोला मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन यहाँ भी दिखता है, यहाँ पे भी तो दिखता ही है। यू आर राइट। अरे हाँ, वोटिंग हो रही है क्या? बिफोर होता तो इसका इसका पहले इसका गला दबा दो। इसका 10% यानी कि 9000 आता फिर ये, और यहाँ 81,000 आ जाता, फिर तो आसान हो जाता ना। यस बहुत सही कहा तुमने। हाँ 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 मैं सोच रहा था कुछ नहीं, बस ठीक है, काफ़ी। हाँ हाँ आ गई, ठीक है, आज की क्लास ख़त्म भी होते हैं।